देखिए, कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग घुसाए हैं और ऐसे लोगों ने कब्जा जमा लिया है जिन्हें हिंदू धर्म और हिंदू नाम से चिढ़ है, उन्हें भगवा से चिढ़ है, वो भारत माता की जैसे नफरत करते हैं, वंदे मातरम से उन्हें प्रॉब्लम है, भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदों पर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रास्ते से हटा के वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। तो क्या लगता है, मतलब ये लोग क्यों इतना आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि वेशभूषा पर सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं, इतने पुराने कांग्रेस नेता हैं आप? सवाल मेरा नहीं है, सवाल इस महान पार्टी का है, सवाल महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी के बलिदान का है, सवाल देश की आजादी की लड़ाई का है। जो कांग्रेस रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम महात्मा गांधी की रामधुन से जानी जाती थी, वो आज भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस नाम से जानी जा रही है, तो ये पीड़ा देती है, ये पीड़ादायक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी इस पे विचार करना चाहिए। अब मुझे लगता है कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही आदरणीय हैं, लेकिन वो भी इन लोगों से दुखी हैं।